गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शिखा। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी सीक्रेट सबसे पसंदीदा रेसिपी, जो कि है मिक्स सॉस पास्ता। ये इतनी फेमस है मेरे रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स के बीच में कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ उनकी एक ही डिमांड होती है कि शिखा पास्ता खिला दे यार। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जिनको मैंने ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस किया है, और तब जाके मैं इतनी अमेजिंग पास्ता बनाती हूँ। तो आप भी इन्हें फॉलो करें और आप भी बिल्कुल कैफ़े से भी टेस्टी पास्ता घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑयल। ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास नहीं हो, आप नॉर्मल कुकिंग रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं फाइनली चॉप्ड गार्लिक। पास्ता का वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट बेसिक इन्ग्रीडियंट होता है गार्लिक। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड अनियंस। इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। किसी भी सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा भुनना या पकाना नहीं है। अब हम फटाफट इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डीसीडेड टमेटोज। आप और भी अगर वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से ही मेरा होममेड पास्ता पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ी वाइट सॉस बनाकर तैयार रखा है। इन दोनों की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। इन दोनों सॉसेस को इस तरीके से हम पहले ही एक बोल में मिक्स कर लेंगे, और सॉस को मिक्स करने के बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे गोल्डन कॉर्न अपनी सौते वाली वेजिटेबल्स के साथ, और उसमें स्प्रिंकल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट। इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे ओरिगैनो, ड्राइड पार्सले और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता और इसे फटाफट मिक्स करेंगे। जब पास्ता अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाए और हल्का गर्म हो, उस स्टेज में हम ऐड करेंगे इसमें अपनी ग्रेवी। ये सारी की सारी ग्रेवी हम इसमें ऐड करेंगे। वाओ, ये ग्रेवी इतनी टेम्पटिंग होती है। और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि ये काफ़ी थिक है ग्रेवी, तो उसे नॉर्मल करने के लिए हम थोड़ा मिल्क यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इन सभी को डेलिकेटली हम मिक्स करेंगे एंड आर सुपर क्रीमी सुपर टेस्टी पास्ता इज़ रेडी। चाहे तो इस स्टेज में थोड़ी सी सीजनिंग और कर सकते हैं, ड्राई पार्सले यूज़ कर सकते हैं, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम ग्रेट करेंगे इसमें थोड़ा सा चीज़ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो आर यम्मी क्रीमी पास्ता इज़ रेडी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, गार्निश करें थोड़े से पार्मेजान चीज़ के साथ या नॉर्मल प्रोसेस चीज़ के साथ, ऊपर से थोड़ी सी ऑलिव्स ऐड कर दीजिए डेकोरेशन के लिए, एंड इट्स रेडी। बिल्कुल कैफ़े स्टाइल क्रीमी पास्ता घर पर आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरे वीडियो को करें लाइक, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।